जिसे मैं बता रहे हैं उसे आप शॉर्ट में मैंने कोशिश किया है समझाने की और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नोट्स बनाते जाइए समझते जाइए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको हमको पूछिएगा बताएंगे हम तो आज पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट है फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेज इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं अब आप इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में देखिए सबसे पहले समझ लीजिए इस चीज को व्हेन द टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्सेस साइमल्टेनियसली ऑन द थर्ड चार्ज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्स दैट टू चार्ज एग्जर्ड इंडिविजुअली अब हम दो एक्सिस बना लेते हैं एक्स वाई और एक एक चार्ज ले लेते हैं क्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू जीरो इसका पोजिशन वैक्टर आर वन है और दूसरा चार्ज आर टू जिसका क्यू टू जिसका पोजिशन वैक्टर आर टू है और एक तीसरा चार्ज क्यू थ्री जिसका पोजिशन वैक्टर आर थ्री है अब यहाँ पर दो चार्ज q2 q3 के कारण जो q1 पे फोर्स लगेगा उसी को हमको निकालना है ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर q2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा f12 वन टू वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे f1 वन डायरेक्शन देखिए दिया हुआ है और दूसरा q3 के ऊपर q3 के द्वारा q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो है एफ इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ रहेगा ये दिया हुआ है आपको दोनों कारण Q2 Q3 के कारण जो चार्जेस हैं कितना फोर्स लग रहा है और इसका नेट फोर्स जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय F1 नेट फोर्स को कैसे निकालेंगे F1 को दैट इज़ द सम ऑफ F12 एंड F13 जो टोटल सम होगा वो एफ वन अब एफ वन टू बाई कुल्स लॉ कितना होता है वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर आर कैप वन टू क्या है ये आर वन टू दैट इज द दोजिशन वेक्टर ठीक है पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इसी तरीके से एफ वन थ्री के लिए निकाल लेंगे वन बाई फोर पाई एफ्स लॉन्ग नॉट क्यू वन क्यू थ्री आर स्क्वायर आर वन थ्री आर कैप वन थ्री आर वन थ्री इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द क्यू थ्री तब इस तरीके से इन टोटल दोनों का सो सम है सम ऑफ द बोथ चार्जे बोथ फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया ब्रैकेट में क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर वन टू प्लस क्यू वन क्यू टू आर टू स्क्वायर आर वन थ्री एफ वन थ्री इज द नेट फोर्स ओके एफ वन थ्री एफ वन जो है नेट फोर्स है जो क्यू टू के द्वारा क्यू थ्री के द्वारा लगता है दिन नंबर ऑफ चार्जेज इंट्रैक्टिंग द रिजल्ट रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकुलर चार्ज इज गिवेन बाई द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस बाई द इंडिविजुअल चार्जेस दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इसी को हम प्रिंसिपल आप सुपर कहते हैं अब इसमें वेक्टर की बात है इसलिए Q3 के द्वारा जो डायरेक्शन दिखाया गया है आपको F13 वन थ्री और Q2 के द्वारा जो दिखाया गया है F12 वन टू तो दैट इज़ ए वेक्टर फॉर्म इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया है इसलिए एफ आर और ये यूनिट वेक्टर है ये आर वन टू एफ फोर्स ए के लिए एक वे क्वांटिटी है इसलिए हम इसको डायरेक्शन में दिखाना ज़रूरी है एफ वन इजिकल टू वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट और क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर आर वन टू इस तरीके से अगर एन चार्जेज हैं तो उनको हम इस तरीके से सम के रूप में लिख सकते हैं तो इन सब का टोटल सम एफ वन के ऊपर जो आपका क्यू वन है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज लग रहा है दैट विल बी एफ वन और इसको हम इस तरीके से रिप्रजेंट करते हैं नेट फोर्स ड्यू टू दीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब यहाँ पर लीनियर चार्ज में नेट फोर्स ऑनडर टेस्ट चार्ज क्यू जीरो जिस पर हम फाइंड करते हैं फोर्स इसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका एक कंडक्टर दिया हुआ है जिस पर कि आपको पॉजिटिव चार्जेस हैं बहुत सारे और इससे कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0 एक टेस्ट पॉइंट चार्ज है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं अब जो कंडक्टर है उससे इसका डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए अकॉर्डिंग टू कुलुम्सला इस पर फोर्स जो होगा सबसे अलग अलग लगेगा अब ये ध्यान देखना है कि जिस पॉजिटिव चार्ज पर क्यू जीरो जो आपका टेस्ट चार्ज है उसी के ऊपर हम सारे चार्जेस के द्वारा टोटल चार्ज या नेट चार्ज निकालेंगे ये बात ध्यान रखिएगा अब यहाँ से जो मान लिया कि ये जिस पर टोटल चार्ज क्यू है कंडक्टर के ऊपर और उसका लेंथ जो है एल है अब यहाँ पर जो हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे क्या निकालेंगे हम चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी जो होती है यहाँ पर दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई एल चार्ज अपॉन लेंथ दैट इज कॉल्ड लेमडा चार्ज डेंसिटी तो मल्टीप्लाई कर दिया दैट विल बी क्यू अपॉन डेल्टा एल तो क्यू इजिकल टू डेल्टा एल यही कंडक्टर के द्वारा टोटल चार्ज लगाया जाएगा अब एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डी एल इससे मान लिया टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस जो है आर है तो इस डी पर जो है टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना ऑन है चार्ज ऑन वेरी स्मॉल लेंथ डी एल के ऊपर टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा वो किसके किसके बीच होगा द कोलम्स स्लाइस के द्वारा जो डी के द्वारा जो चार्ज है डेल्टा डी है और जो आपका टेस्ट चार्ज है दैट विल बी क्यू जीरो तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इसके ऊपर कूलम्स लॉ अगर हम लगाएंगे दैट विल बी डी एफ इजिकल टू वन बाई फोर फाइव एफ लॉन्ग नॉट डेल्टा डी एल जो कंडक्टर का जो चो छोटा पार्ट है उसके द्वारा चार्ज है और क्यू नॉट अपन क्यू नॉट जो है आपका टेस्ट चार्ज है तो दैट विल बी डेल्टा डी एल क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर ये टोटल फोर्स लगाया जाएगा एक स्मॉल पार्ट के द्वारा तो नेट कंडक्टर के द्वारा नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू जीरो ड्यू टू द लीडियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा इसी जो आपका डी एफ है इसको हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकाल लेंगे एफ नेट इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग है कॉन्स्टेंट टर्म है इसको इंटीग्रेट करेंगे लैंडा डी एल क्यू नॉट आर स्क्वायर तो ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखिएगा या नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय द लीनियरली अब एक दूसरा पार्ट हम लेते हैं आपका दैट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए मान लिया हमने ये एक एरियल है एरिया वेक्टर है इस पर टोटल चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए है क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है तो इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी होगी डेट विल बी क्यू अपॉन ए इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे या इक्वल टू सिग्मा ये ये क्या है यह एक मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम सरफेस एरिया डी एस उसका चार्ज है क्यू इजिकल टू सिग्मा है और उससे आर डिस्टेंस पर जो आपका चार्ज रखा है इसके ऊपर कुलम्स के द्वारा के के दुला के हम फोर्स निकालेंगे तो चार्ज कितना है सरफेस ये छोटे से पार्ट के द्वारा की टू डेल्टा डी एस तो फोर्स कितना लगेगा डी एफ इजिकल टू टोटल डी एफ इजिकल टू क्या जाएगा ंग नॉट सिगमा डी एस क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर ये छोटे से पार्ट के द्वारा है डी एस जो पार्ट लिया हमने उसके द्वारा है अब इसका नेट चार्ज हम निकालेंगे इसका नेट फोर्स ऑन डर टेस्ट चार्ज दैट विल बी आर सो ड्यू टू द सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ नेट एफ वन अपॉन फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट को कॉमन निकाल लिया और सिग्मा डी एस क्यू ज़ीरो अपान आर स्क्वायर अब हम एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे वॉल्यूम जैसे लीनियर हो गया सरफेस हो गया ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे इसके लिए हमने एक ऐसा स्पेस लिया जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है इस पर टोटल चार्ज ले लिया हमने क्यू इसका वॉल्यूम भी है और क्यू नॉट डिस्टेंस पर हमें फोर्स निकालना है इसको निकालेंगे तो कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसी तरीके से इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पहले कितना आएगा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से और डेट विल बी क्यू इजिकल टू रो इन टू बी इस पर भी एक छोटा सा पार्ट ले लेते ले हैं हम डी भी जिसके द्वारा क्यू नॉट पे के द्वारा चार्ज ऑन वेरी स्मॉल वॉल्यूम डी भी पर हम टेस्ट चार्ज का फोर्स निकालेंगे तो पहले डी के द्वारा कितना चार्ज लगाया जाएगा सिग्मा रो रो डी और रो डी और दूसरा चार्ज क्यू जीरो है तो डी एफ इजिकल टू वन बाई फोर पाई एक्स लॉन्ग नॉट रो डी भी क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर ये क्या है दैट इज द फोर्स बाई ए स्मॉल पोर्सन डी तो टोटल नेट फोर्स द टेस्ट चार्ज क्यू जीरो ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एफ नेट इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी क्यू नॉट आर स्क्वा फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज तब यहाँ पर यूनिट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स डिटरमाइन करेंगे आप कैसे करेंगे इसके लिए देख लीजिए एक हमने पॉइंट चार्ज लिया जिसको हम क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया और इसके द्वारा जो इसका ये फील्ड है वो शो कह रहा है आपको दिख रहा है फिगर में आउटवर्ड डायरेक्शन में और इसके ऊपर एक हमने टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू चार्ज तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो दैट विल बी आउटवर्ड रहेगा यह भी अगर इसके अंदर है तभी फोर्स लगेगा लेकिन इसके बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ध्यान रखिएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है अगर मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो कुलम्स फोर्स कितना हो जाएगा वन बाई फोर पाई इट लॉन्ग नॉट क्यू इन टू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर अब ये जो है क्या है आपका पॉइंट हमको फाइंड करना है पर यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज के द्वारा हमको फोर्स फाइंड करना है तब इसके लिए हम क्या लेंगे जिसे क्यू नॉट कूलम चार्ज हैज़ एक्सपीरियंस फोर्स कितना वन बाई फोर पाई एफ लम नॉट क्यू नॉट क्यू इन क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर तो वन यूनिट कूलम के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा दैट विल बी वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं ठीक है और ये किसके बराबर होता है वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर क्यू नॉट आर स्क्वायर ये फोर्स है इसकी जगह पर हम एफ लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर देंगे ईजिकल टू क्यू एफ आ जाएगा आपका एफ अपॉन क्यू नॉट वन बाई फोर पाई एफ लॉन्ग नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर की जगह पर एफ लग देंगे तो ये आ जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट ये आपका फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है इसके डायरेक्शन को भी बताना ज़रूरी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा तो आप देखेंगे दैट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन फील्ड का भी डायरेक्शन आपका आउटवर्ड है और फोर्स का भी डायरेक्शन आपका आउटवर्ड ही दिखा रहा है मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन है वही आपका फोर्स का भी डायरेक्शन है तो हम क्या समझ सकते हैं इसके बारे में इसे दिया हुआ है कि डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये पॉजिटिव चार्ज है जो जिसमें आपने देखा कि जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है मतलब रेडियली आउटवर्ड लग रहा है अगर आप निगेटिव चार्ज रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो इनवर्ड है पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं ये दोनों तो देखेंगे कि जो दोनों का जो फोर लाइंस है फील्ड लाइन है देखिए ऊपर की तरफ किस तरीके से जा रही हैं दूसरे दूसरे डायरेक्शन में जा रही है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेज एक साथ रखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो लपेड़ लाइन है वो पॉजिटिव से निकल करके और नेगेटिव पर क्या हो रही है, आपका आ रही हैं तो मर्ज हो रही है, पॉजिटिव से निकल करके ये नेगेटिव पर मर्ज होती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आगे भी आपका बहुत काम आने वाली चीज़ है तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पासेस थ्रू ए एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एन एरिया मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइन पासेज होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं अब ये एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया तो इलेक्ट्रिक ये कार्डबोर्ड से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाती हैं तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपको जा रही हैं जैसे कि दिखाया गया है अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये एरिया वेक्टर्स क्या होता है एरिया वेक्टर के बारे में हम समझें तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपको कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि ई डॉट ए इज इक्ल टू ई ए कॉस थीटा के ऊपर रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए कॉस टीटा ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है तो अब यहाँ पर जो दिया गया है एरिया वेक्टर, इसको देखिए दैट विल बी डायरेक्टेड टू जो डायरेक्शन दिया गया है अब इस फील्ड लाइंस में अगर हम देखें कि अलग अलग एंगल के साथ अगर ई और ए के बीच में बनता है तो किस तरीके से इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है तो सबसे पहले हमने ये ले लिया आपका एक फील्ड लाइंस ले लिया जो कि बिल्कुल ब्लू लाइन से दिखा रहा है और एक सरफेस वेक्टर एरिया ले लिया है जिसका भी डायरेक्शन दिखा रहा है आपको तो ये दोनों का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि जो लाइन लाएं, फील्ड लाइन्स है और एरिया है एरियल वेक्टर है इन दोनों का जो डायरेक्शन एक ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में लिंक हो जाती हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का डायरेक्शन जीरो है और यहाँ पर अगर एक मान लिया हमने एक दूसरा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया वेक्टर एरियल वेक्टर को तब देखिए उसका फील्ड लाइन्स के साथ उसका डायरेक्शन जो है आपका कितना आ रहा है काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी है दैट विल भी सिक्स तो यहाँ पर सिर्फ सिक्स लाइंस के द्वारा इस पर फोज लगाया जाएगा फिर वो इसको टर्न किया हमने जिसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लिया जैसे 90 जो फील्ड लाइन है उससे एरियल वेक्टर 90 डिग्री पर है तब यहाँ पर अगर हम समझें तो देखें कि कोई भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है तो इफ एन एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा विल डिक्रीज देयर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्या होगा ई ए कॉस ठीटा अब थीटा को देखिए जब एंगल जीरो है पहले वाले में तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन तो यहाँ पर ईजिकल फाइव इजिकल टू ई यह है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाता है दूसरे में अगर एंगल सिक्सटी लिया है तो ई ए कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू हो जाती है तो जो पहले वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उसका आधा हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और तीसरे वाले में जैसे कि दिखाया है आपको 90 डिग्री तो कॉस्ट 90 की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पर कॉस्ट 90 भी जीरो फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कितना हो जाएगा ज़ीरो तो अब यहाँ देखेंगे आप कि तीनों डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा जो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है फर्स्ट फर्स्ट यानी एंगल इज़ ज़ीरो जब एरियल वेक्टर और आपके लाइन और फोर्सेस के बीच में जीरो डिग्री का एंगल रहता है तो सबसे अधिक रहता है और तो 90 डिग्री जब होता है तो आपका मिनिमम हो जाता है दैट विल भी जीरो तो मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों ही कंडीशन में आप समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है तो इस तरीके से आपने ये आज तीन ची बातें समझी इन तीनों का आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा और फिर कल आगे जो मेन पार्ट है आपका वो है क्या है गॉस थ्योरम उसको एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी गुड बाय